दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में शनिवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ। शहर के सेक्टर 18 में तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर है। जानकारी के मुताबिक शहर के व्यस्त इलाकों में से एक सेक्टर 18 में एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने आधा दर्जन से अधिक लोगों को कुचल दिया। लोगों ने घायलों को उपचार के लिए तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां सभी घायलों का उपचार चल रहा है। डॉक्टर की माने तो दो की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि अन्य की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। लोगों ने कार के चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बता दें कि नोएडा में चंद रोज पहले भी रफ्तार का कहर दिखा था, जब एक तेज रफ्तार वाहन के धक्के से यूपी रोडवेज की बस पलट गई थी। बस में ड्राइवर और कंडक्टर के साथ ही पैसेंजर भी मौजूद थे। इस हादसे में ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया था। वहीं एक अन्य हादसे में सरेरा डंपर पलट जाने से भी दो लोग घायल हो गए थे। इनसे अपना ऑर्डर लेके जैसे बाहर निकला, बाहर निकलते ही तुरंत जैसे मैगडी के कोने पे आ रहा हूँ, सामने से मेरे को आके वो स्कॉर्पियो वाला टक्कर मार दिया। मेरा सिर जाके डिवाइडर में लगा और ये देख ही रहे हैं मेरा कितना चोट है, हर जगह मेरा सूजन हो गया। जब मैंने देखा तेज रफ्तार से स्कॉर्पियो वाला आ रहा था, तो पीछे से सुन रहा था कि दो तीन को ठोक दिया हो, पार्किंग में पैसा ना देने के कारण भागा आ रहा था। यहाँ आते जोमेट्री पर बैठा एक लड़का था, जो जोमेट्री काम करता था बाइक का, उसमें अब मारा। उसके आगे अगेंस्ट वो बैठ रिक्शा वाला था, उसको कुचल दिया। वो ऑन द स्पॉट खत्म हो गया, क्या हुआ पता नहीं, बहुत हालत गंभीर थी। उसके बाद जैसे ही ऐसे सीधा निकला है, यहाँ रेड कलर की गाड़ी थी XUV, उसमें मारा। उसके बाद फिर ब्लैक कलर की गाड़ी थी, उसमें मारा। उसके बाद आगे गया तो आगे तीन गाड़ी का और ठोका। वो तो पता नहीं आगे निकल रहा था, क्या हुआ उसका संपर्क बैठा नहीं, गाड़ी ऐसे पलट गई, इसलिए वो गिर गया। मतलब ऐसे कार क्यों आ रही थी, उससे वो बड़ी तेज़ी से चला रहा था, इधर आके एक जोमेटो वाले में वो ठोका है उसने, और एक रिक्शा वाले को, फिर तीन गाड़ी में और ठोक के, फिर तीन चार आगे करके बाइक में ठोका है। बड़ी तेज़ी से एक्सीडेंट किया है, रिक्शा वाला शायद ख़त्म हो गया है, और बाकी जोमेटो वाला अभी होश में है।